ज्यों बुलावहै त्यों बोलहै स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। परम सत्कार योग तख्त चवर छत्र दे मालक, जुगो जुग अटल सरबरे कायनात, समुची मनुखता दे सांझे रहबर सतगुरु, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की साजी अते नवाजी साध संगत जी, सतगुरां दे चरणां दा ध्यान धरो, दोवें हाथ जोड़ के गुरफते की सांझ पाओ, गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर पातशाह ने आप सारिया ते बड़ी कृपा की है, महाराज जी की रहमत का सदका आपू सतसंगत दिया घड़िया जो प्राप्त हुई ने। वे भागा वाले जीव होया करते ने जिहड़े सतगुरां दे चरणां दे विच सुरती करके अपनी हाजरी भरिया करदे। महाराज जी ने बेअंत तरस कीता है आपां सारिआं ते, जो ये शुभ घड़ियां आपां नूं प्राप्त होईआं ने। ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोवाल वाले महापुरख, जिन्हां दा पवित्र जीवन आपां पिछले काफ़ी दिनों तो विचार दे आ रहे हैं। संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी होती मरदान संप्रदाय दे बहुत महान महापुरख, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की अवस्था दे विच विचरन वाले साधु, जिन्हां तो अनेकां ही होर किन्ने संत महापुरख वरसाए गए, जिन्हां ने महापुरखां दे दर्शाए रस्ते दे उत्ते चल के पूर्ण पदवियां नूं प्राप्त कीता। सो उन्हां दे विच्चों अनेकां ही साधुआं दा आप जी जीवन नाल दी नाल सरवण भी करदे आ रहे हो। उन्हां दे विच्चों एक महापुरख बाबा खड़क सिंह जी होए ने। बाबा खड़क सिंह जी दा हरखोवाल साहिब डेरे आउण दा बिरतांत भी बड़ा वखरा ही है। बाबा खड़क सिंह जी नामधारी संप्रदाय दे नाल संबंध रखते सी। नामधारीए महापुरखां दे नाल उन्हां दा बहुता स्नेह सी, प्रेम सी, जीवन बड़ा चंगा सी। नामधारी महापुरख संत सुंदर सिंह जी सियालकोट वाले, संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी दे नाल फौज दे विच रहे सी, ते पलटन दे विच रहण वेले दा इन्हां दा काफ़ी बाबा जी दे नाल प्रेम सी, स्नेह सी। तो एक बारी यह हरखोवाल डेरे दर्शन दिदारे करन वास्ते आए, तो उस वेले बाबा खड़क सिंह जी इस नामधारी मंडली दे नाल सन। तो जिस वेले यह नामधारी मंडली महापुरख वापस जाण लई आग्या मंगण लगे, काफ़ी दिन रह के आनंद माणिया सी इन्हां ने, तो उस वेले संत बाबा ज्वाला सिंह जी इन्हां दे सत्कार वजों इन्हां नूं विदा करन वास्ते तुर पए। ये भी बड़ी सुंदर मर्यादा होया करदी है, जे कोई घर आए दा आदर ना करे तो तुलसीदास जी लिखते ने, आपत को आदर नहीं जात न पूछे बात, तुलसी ऐसे मित्र के डारो सिर में खाक। तुलसीदास जी कहते ने घर आया का सत्कार, तुरन लग्या का भी सत्कार करो। तो इस तरह ये बड़े प्रेम की भावना
रब दे प्यारियां दे जीवन विच्चों ही प्राप्त हुंदी है। तो जिस वेले संत बाबा ज्वाला सिंह जी इस नामधारी संत मंडली नूं तोरन वास्ते आप नाल तुरे ते बाबा ईशर सिंह जी भी नाल तुर पए, ये नामधारी जथा महापुरशां दे नाल तुरिया जा रहा सी। वे एक नेड़े मटी बनी हुई, जिस तरह पिंडां दे विच आम कई इलाकियां विच ये चीज़ देखण नूं मिलदी है, चार इट्टां ला के कोई मटी बना लैंदा है। इस तरह मटी बनी हुई सी ते जिस दी मटी सी वो तो किसी झगड़े दे विच ही मरिया सी, पर उहदे जिहड़े पूजण वाले सी, उहदे मन्नण वाले सी, उहनूं कहिंदे सी वी इह शहीद है। ते कुदरती उस वेले बाबा ईशर सिंह जी नाल सीगे ते बाबा ईशर सिंह जी उहनां नामधारी सिंघां नूं कहिण लगे, कहिंदे वी तुसीं सच्चे नामधारी हो? कहिंदे हाँ महाराज, भी असीं तां महापुरखां दी चलाई हुई मर्यादा नूं उसे तरह मानदे हां जिवें बाबा राम सिंह जी ने चलाई सी मर्यादा। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਰਾਂ ਕਬਰਾਂ ਮਟੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀ ਢਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਹਿਮ ਗਏ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮਟੀ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਥਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਪਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਟੀ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਟੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਖੱਦਰ ਦਾ ਸਾਫਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫੇ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਗਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ, ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਛਕਾਓ। ਅਤੇ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਪਦਮ ਆਸਣ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ
पलंगे ते जो विराजमान होए तो सारी संगत दर्शन कर आई। हुण डरे हुए सी सारे, पर महापुरखा ने अपने मूहों सहज सुभा बचन किया, कबीर संत ना छड़े संतई, जो कोटक मिल है असंत, मल्यागर भयंगम बेड्यो ता शीतलता नात जंत। भाव के जिहड़ा असल संत हुंदा वो अपना सुभा नहीं छड़दा कदे भी। ते जिस तरह मल्यागर भयंगम बेड्यो, मल्यागर कहिंदे ने चंदन दे बूटे नूं, चंदन दे रुख दुआले किन्ने भी सप्प लपेटे मार के बैठे होण, चंदन दा रुख आ जिहड़ा वो अपनी शीतलता दा सुभा नहीं छड़दा, वो ठंडक देनी छड़दा नहीं, उहदा सुभा है। ते इदां जे एक दरख्त अपना सुभा नहीं छड़दा ते संत महापुरख भी अपना सुभा किवें छड़ सकदे आ। हुण महापुरख बाबा ज्वाला सिंह जी कहण लगे भी उस सिंह नूं सद के लियाओ जिहदे मार पई सी। तां बाबा खड़क सिंह जी नूं भाई जोध सिंह जी लैण वास्ते चले गए। ते रस्ते दे विच आउंदिआं बाबा खड़क सिंह जी नूं बाबा जोध सिंह कहण लगे, कहिंदे भी तेरे मन दे विच जे उहनां दे प्रति गुस्सा है भी तां तूं संतां नूं कुछ ना कही, फिर भी तू अपने मन दे विच खिमा करी, मारन वालियां दा भी भला ही सोची, सब दा भला सोचण वाले दा अपना भला हो जांदा, क्योंकि बाणी कहिंदी फरीदा जो तै मारन मुकियां तिना ना मारे घुम, आप नड़ै घर जाइए पैर तिना दे चुम, फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लग गई पल्ले सब किश पाए। किड्डी वड्डी गल है, आपां कदे कर सकते जी जिहने साडे नाल बुरा कीता उहदा भला? आपां तां कहांगे जिहने साडा माड़ा करिआ उहदा रहे ही कख ना। पर रब दे प्यारिआं दी जिहड़ी इह बिरती नहीं हुंदी, रब दे प्यारे कहिंदे उहदा भी भला ही हो जाए। सो बाबा खड़क सिंह जी जिस वेले संतां दे सामने आए तां संतां ने बाबा खड़क सिंह नूं कहा, भाई सिखा मेरे सतगुरां ने मैनूं ये हुक्म कीता भी जिहने तैनूं मारिया उहनां बारे तूं सज़ा तय कर, जो तूं कहेगा उही सज़ा उहनां नूं दे देंगे। ते हुण बाबा खड़क सिंह चुप करे रहे। संतां ने फिर कहा भी तेरे मारन वालियां नूं जो तूं कहेगा उही सज़ा देवांगे, जिवें तूं कहेगा उवें करांगे। तां फिर बाबा खड़क सिंह जी चुप करे रहे। तीजी वारी संतां ने फिर कहा भी दस तूं इहनां नूं कीहड़ी सज़ा देनी चाहुंदा? तां बाबा खड़क सिंह जी हथ जोड़ के कहिंदे, हे गरीब नवाज, मैनूं तां कुछ पता नहीं, मैं तां अणजाण हाँ, मैं की कहां, तुसीं सरबग हो, तिन्ना कालां नूं जानण वाले हो, जिद्दां तुहानूं चंगा लगदा तुसीं उस तरह करो। संतां ने फिर पुछिआ, फिर भी उन्होंने यही कहा भी महाराज जिद्दां तुहाडी मौज तुसीं उस तरह करो। तां महापुरख प्रसन्न हो के कहिंदे, चंगा भाई सिखा, हुण असीं अपने वल्लों असीं कोई वचन नहीं करना, ना उन्हां नूं सज़ा देनी, ना कोई श्राप देना, हुण असीं भी अपने गुरु महाराज उत्ते छड़ देना कि जो वाहिगुरू का हुक्म होवे उस तरह निबड़े। तो उसी दिन तो बाबा खड़क सिंह जी जिहड़े सीगे वो डेरे रह के तनों मनो जन्म सफला कर लग पे, सेवा करके अभ्यास करदे। तो उन्हां दा इन्ना निश्चा सी संतां दे उत्ते, सिदक सी पे, बाबा ज्वाला सिंह जी विच ते बाबा राम सिंह जी नामधारी विच उन्हां नूं कोई फर्क नहीं सी लगदा, क्योंकि वह पहला नामधारी संप्रदाय दे नाल उन्हां दा संबंध सी ते उत्थे जाप तप कीता सी उन्हां ने। तो इस तरह नाल बहुत यकीन भरोसे नाल बाबा खड़क सिंह जी सेवा करन लग पए। हुण जिहड़े लाभ सिंह ने बाबा खड़क सिंह जी नूं मारिया सी, जिस तरीके नाल मारिया सी, थोड़े दिन बीते भी उहदे नाल भी उही कुछ होया।
उची उची रौला पाउंदा भी मेरे गल विच किसी ने कपड़ा पा लिया, कपड़ा पा के कोई बटा दे जांदा, जद के सी कुछ भी नहीं, पर परमेशर वालों उन्हूं हुण सज़ा मिल रही सी। जो महापुरखां बचन कीता सी भई हुण परमेशर गुरु साहब दे हथ वसिया जिदा महाराज करनगे उदा ही होगी, तो हुण ये गल दे विच कपड़ा कहिंदे भी पाया होया किसी ने, मेरा गल घुट हो गया, इट्टां वजदियां इदां रौला पाउंदा, उस दी भी फिर इदां ही मौत होई। तो इस तरह नाल जो गुरु की बाणी है, संतां नाल वैर कमाम दे, दुष्टां नाल मोह प्यार, अगे पिछे सुख नहीं मर जम्मण वारो वार, मर कहिंदे रब दे प्यारियां नाल वैर कमाउंदे, रब दे प्यारियां दे नाल दुश्मनी करदे, ते फिर उन्हां नूं सुख किस तरह मिल सकता है, वो सुखी किस तरह हो सकते हैं। जे तो महापुरखां की शरणी पै के, बाबा खड़क सिंह वर्गियां की शरणी पै के माफ़ी मंग लैंदा तो फिर तो शायद बख्शिया जाता, पर हुण वो अपनी आकड़ दे विच अपने रोब दे विच रहा, तो इस तरह के नाल फिर उहदा भला किस तरह हो सकता सी। सो गुरु साहिबां दे जीवन दियां भी अनेक साखियां आउंदियां भी जिस तरह खडूर साहब की धरती ते श्री गुरु अंगद देव जी महाराज नाल ईरखा करन वाला जिहड़ा जोगी सी तपा, उहने महाराज दे नाल बहुत विरोधता कीती। एक साल इहो जिहा आया भी मीह ना पए, जिहड़े जट जिमीदार सीगे उहनां दीआं जिहड़ीआं फसलां मीह तों बिना सड़ रहीआं सी, ते उहनां ने बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होना कीता जिमीदारां ने। उन्हां नूं देख के तपा कहिंदा भी तुसीं फिक्रमंद क्यों, कहिंदे संत जी जोगी जी तपा जी साडियां जिहड़ीआं फसलां ने उह सड़दियां जा रहीआं ने, ते बारिश नहीं पई। वह तपा कहण लगा बारिश की पैनी, तुसीं एक गृहस्थी नूं तां मत्था टेक दे। बारिश कहिंदा जे पुआउणी तां मैं पुआ सकदा, कहिंदे फिर पुआ दिओ। कहिंदे भी बारिश तां पऊगी जे तुसीं उस गृहस्थी गुरु नूं इस पिंड विच्चों बाहर कढ दिओगे। उह जिहड़े जट जिमीदार कट्ठे होए उह कहिंदे असीं इदां किद्दां कढ सकदे बाहर महाराज नूं, कहिंदे तुसीं जा के कहो भी जां तां मीह पुआ दो तां जां फिर साडा पिंड छड के चले जाओ। उह कट्ठे हो के सारे जणे महाराज दे कोल आ गए। गुरु अंगद देव जी नूं जिमीदार कहण लगे, कहिंदे महाराज साडियां फसलां सड़ गईआं ते मीह नहीं पिया। महाराज कहिंदे भाणे विच रहना चाहीदा, भाणा मनना चाहीदा, भाणा मनण दा उपदेश देण लगे, पर हुण उहनां नूं इह गल चंगी ना लगे। उह कहण महाराज तुसीं मीह पुआ सकदे, तुसीं मीह पुआओ। महाराज कहिंदे असीं परमेशर दी रजा दे विच दखल नहीं देना। कहिंदे महाराज फिर तुसीं कृपा करो, मीह तां तपा जी पुआ सकदे आ, पर उहनां दी शर्त इह आ भी तुसीं पिंड छड के चले जाओ। महाराज कहिंदे जे साडे गिआं ते तुहाडा भला हुंदा तां फिर असीं पिंड छड के चले जांदे आ। महाराज गुरु अंगद देव जी खडूर साहब नूं छड के तुर पए। नाल दे नगर वालिआं नूं पता लग्गिआ तां उहनां ने महाराज नूं रोक लिआ, अपने नगर दे विच महाराज नूं अगे जाण ही ना दित्ता। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤਪੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਦਰਬਾਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਜਦ ਹੋਏ, ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ ਬਾਹਰਾ ਉਜਰ ਮੇਰੇ ਭਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਉਜਾੜਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
सेवादारा ने दसिया कहिंदे इन्हां जिमीदारा ने महाराज नूं पिंडों कढ दित्ता। जदों सारी गल का पता लग्या तां बाबा अमरदास जी महाराज उन्हां जिमीदारा कोल चले गए। वो कट्ठे हो गए सारे ते महाराज कहण लगे कहिंदे बई मीह पै गया। कहिंदे ना महाराज पिया नहीं। कहिंदे फिर कहिंदे महाराज तपा कहिंदा सी वी तुसी महाराज नूं कढ दिओ ते मैं मीह पवा दांगा। महाराज कहिंदे फिर तपे नूं कहना सी वी हुण मीह पवा दिओ। कहिंदे जी ओह तां हुण अपने जंतर मंत्र तां करदा पर मीह पिया नहीं। महाराज कहण लगे कहिंदे फिर असीं पवा दईए मीह। कहिंदे महाराज तुसीं कृपा कर दिओ। महाराज नूं तां बहुत उस वेले नाराजगी सी ना वी इन्हां ने मेरे गुरु की बेअदबी की आ ते तपे ने करवाई आ। उस वेले महाराज कहिंदे चंगा फिर इदां करो इस तपे नूं घड़ीस के अपने खेतां विच लै जाओ। जिहड़े खेत विच घड़ीस के लै जाओगे उस खेत विच मीह पैण लग पऊगा। पर चेता रखियो जिस खेत विच इह तपे नूं लिजाओगे उह च मीह पैणा नाल दे च नहीं पैणा। हुण उहनां दे विच खिचोतान पै गई। तपे नूं जिहड़ा बूहा ला के अंदर बैठा सी बूहा खड़काउण बाहर निकलो बाहर निकलो। कहिंदे बस मीह पै जाणा होर मैनूं थोड़े मंत्रां दा जाप कर लैण दिओ। कहिंदे मंत्रां दा जाप छड्डो हुण तुसीं बाहर निकलो तुहाडे बाहर आउण नाले मीह पै जाणा। जिस वेले तपे ने बूहा खोलिया उन्हां खिझिया होया जिमीदारां ने उहनूं फड़ के खेतां दे विच घड़ीस के लै गए। ओह रौला पावे भी मैं मर जाँगा मर जाँगा। पर हुण किहड़ा सुणे जिस खेत दे विच घड़ीस के तपे नूं लै जाण उहदे विच मीह आ जावे। हुण किन्नियां फसलां सुकदियां सी। भज दौड़ पई होई मेरे खेत विच लियाओ मेरे खेत विच लियाओ दौड़ लगी होई है। ते उस वेले इत्थों तक हालात बन गए सी भी महाराज ने वचन करता सी भी इस तपे दी शरीर दी एक हड्डी भी जिस खेत विच चली जाऊगी उत्थे भी मीह पै जाऊगा। तां ओह खडूर दे खैरे जट्टां ने जिमीदारां ने उस तपे नूं घड़ीस घड़ीस के मार दिता ते खेतां दे विच उहदे शरीर दे कले कले अंग नूं भी लै के गए। इदां उस वेले फिर उहनूं सज़ा मिली। तो हुण इह जिहड़ी सज़ा मिलण तों बाद जिस वेले महाराज गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के दर्शन करन आए तां महाराज ने इहनां वल पिठ कर ली। ते महाराज गुरु अमरदास बहुत बराग दे विच आ के बेनती करदे महाराज मेरे की गलती हो गई मेरे तो की गलती हो गई। महाराज कहिंदे तुसीं परमेश्वर की रजा विच दखल दिता तुसीं गलती कीती है तो तुहानूं नहीं सी चाहीदा उस तपे नूं सज़ा देण दा तुहानूं अधिकार नहीं सी। तां महाराज बाबा अमरदास कहण लगे कहिंदे महाराज मेरे तो अपने गुरु की निंदिया सुनी नहीं गई। तो इस तरह नाल जिहड़ा रब दे प्यारियां दे नाल मत्था लाउंदा संतां साधुआं नाल मत्था लाउंदा महाराज कहिंदे अग्गे पिछे सुख नहीं मर जम्मण वारो वार उहनां नूं ना इत्थे सुख ते ना परलोक विच सुख उहनां नूं सुख नहीं मिलदा। ते हुण जिहड़े महापुरखां दा बंदगी वालियां दा सत्कार करदे उहनां नूं की बख्शिशां हुंदियां अगली साखी जिहड़ी आ उह इस बात नूं स्पष्ट करदी आ। सरदार दलीप सिंह ते सरदार गुरदयाल सिंह दोनों सके भाई सीगे ये बार दे विच रहिंदे सी। 59 चक इहनां दा नगर सी। इस इलाके दे जिहड़े मुसलमान सीगे कुछ इहो जिहे सुभा दे सी वी जदों इहनां जिमीदारां दीआं फसलां पक जाणियां तां इहनां ने रात बराते उह फसलां वढ लैणियां नुकसान कर देणा। तो हुण इह गुरदयाल सिंह दे कोल रफल सी इह राखी करन वास्ते बैठा सी ते मुसलमान कुछ इकट्ठे हो के आए ते इहनां दा नरमा चुगण लग पए। नरमा होया वी बहुत वधिया सी रात दे समें नरमा चुगण लग पए तां गुरदयाल सिंह ने उहनां नूं रोकिया तां उह मोहरे ते औखे होए माड़े लफ्ज़ बोले उहनां ने। तां उस वेले फिर जो कि गुरदयाल सिंह दे कोल बंदूक सी रफल सी उहने फायर कर दिता। एक
उसे वेले चढ़ाई कर गया, एक दे जी दे गोली लगी, दूजा दूजे दिन चढ़ाई कर गया। तो हुण इह दो कतल गुरदयाल सिंह दे सिर पै गए। हुण जिस थानेदार दे कोल रिपोर्ट गई, वह भी मुसलमान, उन्हें भी बड़ी रिपोर्ट भारी लिखी, बहुत कसूर कढ़िया गुरदयाल सिंह दा। तां हुण दलीप सिंह नूं कोई राह ना दिसे भी हुण किस तरह बचा होगा। मुकदमा चल पिया, मुकदमा सैशन जज दे जदों गया तां उन्हें एक दो तरीकां दे विच ही फैसला कर दिता, गुरदयाल सिंह नूं फांसी दा हुक्म कर दिता। सरदार दलीप सिंह ने अपने भरा दे लई लाहौर हाई कोर्ट दे विच अपील कर दिती। हाई कोर्ट ने अपील की तरीक दे दिती। जदों अपील की तरीक का पता सरदार दलीप सिंह नूं लगा तो उसे समय अपने पिंड तो चल के संतगढ़ डेरे महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी दे कोल आ गया। शरदा नाल संतां नूं नमस्कार कीती ते नेत्रां विच्चों पाणी चल पिया। महापुरख कहिंदे, सरदार साहब की गल होई बई, विराग क्यों करदे तुसीं? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਆਈ, ਤਰਸ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਕੀ ਤਰੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਤਰੀਕ ਆ ਉੱਦਣ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਉਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੇ ਮਰ ਗਏ? ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੋਗ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। 48 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੇ ਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ? ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੱਧ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੱਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਐਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ
ਬਈ ਤੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭੋਗ ਤੱਕ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਤੈਂ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਭੁਗਤ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਨਾ ਸੀ। 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੱਦ ਲਏ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਹੁਕਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਜੱਜ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਖੜ ਗਈ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਚਿਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਗਮੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਏ। ਜੱਜ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼, ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਕਲਮ ਰੁਕ ਗਈ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਰਝਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਆ, ਪਰ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਆ, ਬੜਾ ਜਲਾਲ ਭਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਜੱਜ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਬਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
जज ने मैनू उस वेले एक गल कही, कहिंदा भी कचहरी तो बाद मैनू मिल के जाई। रहीम बख्श जज की कोठी, कहिंदा फिर मैं गया। जदों कोठी गया तां रहीम बख्श जज मैनू कहण लगा, सरदार जी तेरा मुरशद बड़ा पूरा है, ते किरपा कर मैनू अपने मुरशद दे दर्शन करा, ते नाल मैनू ये दसी भई मेरे ते कदों किरपा करनगे। तां उस वेले गुरदयाल सिंह जो कि संत बाबा ज्वाला सिंह जी दे कोल खड़ा बेनतियां कर रहा सी, बेनती की थी, महाराज हुण ये भी नाल ही हुक्म कर दिओ भी उस जज नूं दर्शन कदों देने आ। तां इस तरह नाल महापुरखां बचन कीता, कोई नहीं भाई हुण जो अखंड पाठ साहब चल रहा इहदी समाप्ति तो बाद फिर विचार करके तैनूं दसांगे कदों जाणा। दूसरे श्री अखंड पाठ साहब की समाप्ति हुई तां गुरदयाल सिंह ते सरदार दलीप सिंह दोनों ने बेनती की थी भी महाराज साढ़े ते किरपा करो, असी एक अखंड पाठ साहब होर करना चाहते हैं। इस तरह नाल तीन अखंड पाठ साहब लगातार होए ते गुरदयाल सिंह दलीप सिंह दोवां दे परिवार सारिया ने रज के सेवा की। हुण इत्थे ये भी विचारन योग गल आ भी जदों अखंड पाठ साहब सहज पाठ जां होर किसी भी तरह संगत दे चरण पैंदे आ तां आपां नूं हत्थीं सेवा करनी चाहीदी आ। जिमें संत बाबा अतर सिंह जी पटियाले वाले राजे दे सद्दे दे उत्ते उन्हां दे महलां विच प्रशादा छकण गए, नौकरां ने प्रशादा तैयार किया, नौकरां ने छकाया, नौकरां ने हथ सुचे कराए। जिहड़ा पटियाले वाला राजा सी ओह राणियां महापुरशां दे कोल बैठे रहे। जदों अरदास होण लगी तां संत बाबा अतर सिंह जी ने नौकरां दे नाम दी अरदास कर दित्ती। फिर पटियाले वाला राजा बेनतियां करे, महाराज मेरी अरदास नहीं कीती। महाराज कहिंदे तैं कीता ही कुछ नहीं, तेरी अरदास कादी करिए। राणियां बेनती करदियां, महाराज साडी अरदास नहीं होई। महापुरश बाबा अतर सिंह बेपरवाह साधु कहण लगे, सेवा तां कीती नहीं, हत्थीं थोड़ी अरदास कादी करदे बई। इस तरह दे नाल महापुरशां ने फिर वचन करिया भी फिर आवांगे, अपने हत्थीं सेवा करियो फिर थोड़ी अरदास करांगे। सो ये सेवा दा बहुत बड़ा महात्म है, जिहड़ा अपने हत्थीं सेवा करता है उन्हूं बहुत बड़ियां बख्शिशां मिलदियां ने। हुण सरदार गुरदयाल सिंह दलीप सिंह बहुत बड़े सरदार सीगे, पर इत्थे मैं मेरी होमे नूं त्याग के नीवे हो के सेवा करन दे नाल किड्डियां बड़ियां खुशियां प्राप्त होईयां। तो इस तरह नाल जदों तीसरे अखंड पाठ साहब की भी समाप्ति हुई तां फिर महापुरशां अगे सरदार गुरदयाल सिंह ते दलीप सिंह बेनती करन लगे, कहिंदे महाराज हुण कदों किरपा करोंगे ते उस जज नूं जज रहीम बख्श नूं कदों दर्शन दियोंगे। तां महापुरश कहिंदे भी असीं इस वारी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे शहीदी जोड़ मेले ते लाहौर आवांगे, ते उस वेले जज रहीम बख्श नूं कह देना उस वेले सानूं मिल सकदा। दो महीने का समा रहिंदा सी जेठ सुदी चौथ जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज का जिहड़ा शहीदी जोड़ मेला हुंदा, तां महाराज उस समय फिर लाहौर की धरती ते मरन चरण पाए, ते गुरदयाल सिंह ने जज रहीम बख्श नूं दर्शन देने लई फिर बेनती की। हजूर का हुक्म होया कि सरदार जी तुसीं जज साहब नूं कहो जा के वो आके सानूं मिल लैण। जज नूं जिस वेले सुनेहा गया जज नूं बहुत प्रसन्नता होई, बहुत खुशी होई, ते अपनी बग्गी लै के संतां दे दर्शन करन आया। जिस वेले उन्हें बाबा ज्वाला सिंह जी के दर्शन किए बड़ा उहदे अखां विचों जल गया और गुरदयाल सिंह नूं कहण लगा, गुरदयाल सिंह ये उही महापुरश आ जिन्हें मेरी तीन वारी कलम फड़ी सी ते मैनूं मौत की सज़ा लिखण नहीं सी दित्ती। संतां दे चरणां ते सीस रख के रहीम बख्श बहुत चिर नेत्रां विचों जल बगाउंदा रहा भी ऐसे पूर्ण महापुरश अज दे समें विच भी हैगे जिहड़े अपने सेवकां नूं इदां भी बचा लैंदे।
ते महापुरखां नूं रहीम बख्श बेनतियां करन लगा। कहिंदा जी गरीब दी कुल्ली विच भी चरण पाओ महाराज, उस घर नूं भी पवित्र करो आप जी चरण पा के। ते संत बाबा ज्वाला सिंह जी फिर उस दी बग्गी दे विच सवार हो के ते इस रहीम बख्श जज नूं ते इहदे परिवार नूं दर्शन देण वास्ते इहदे घर गए। इन्हें अपने सारे परिवार नूं कोल बिठा के महापुरशां दे बचन सुनाए, बई ये ऐसे महापुरश हैं जिन्हां दी बख्शिश जिन्हां दी कृपा नाल इन्हां दा सेवक फांसी तो बच गया। तो होर महापुरखां दी वडियाई दे बचन इन्हें बड़े कीते, पर उस वेले महापुरशां ने इस रहीम बख्श जज नूं ते इहदे परिवार नूं वचन कीता, बई तुसीं इस्लाम धर्म दे विच पैदा होए हो, अपने धर्म के अनुसार नमाज पढ़िया करो, परमात्मा का ध्यान धरिया करो, परमात्मा के चरणों का ध्यान धरन वालों नूं हमेशा बहिश्त प्राप्त होंदी आ, ते तुसीं अपने धर्म के विच पक्के हो के रहो। इस तरह नाल उहदे धर्म के अनुसार उहदे ते बख्शिशां कीतियां महापुरखां ने। सो होर अनेक ही ऐसिया साखियां, अनेक ही ऐसे बचन जेड़े महापुरशां दे जीवन विच बहुत विचारण योग, जिन्हां नूं पढ़ के सुन के बहुत प्यार पैदा हुंदा, भी ऐसे नाम रंगे हुए साधु नाम दा रूप बन चुके। एक प्यारा सिंह नाम दा नौजवान जो कि जवानी दी मस्ती ते जमीन बहुत सी, सरदारी दी हैंकड़ भी सी, ते भले काम करने तो उतो कोहां दूर सी, साधुआं दे दर्शन करने संगतां जाना इन्हां गल्लां दे तो नेड़े तेड़े भी नहीं सी, पर इहदे परिवार दा सारिआं दा बहुत ख्याल सी भी किसे तरह इह भी संत महाराज दी संगत करन लग पवे, पर उहदे ते कोई असर ही ना होना। उहने मुजरे देखने, नाच वेखणे ते होर इहो जिहे माड़े काम करने, पर हुण महापुरखां ने ऐसी खेड रचाई वे प्यारा सिंह दे गले विच फोड़ा हो गया, बहुत दुखी होया। देसी हकीमां डाक्टरां कोलों बड़ियां दवाइयां लईयां, जोर ला हटे, पर वो फोड़ा जिहड़ा हटे ना वधदा ही जा गया। डाक्टरां ने जवाब दे दिता, अखीर ये संतां दे कोल परिवार इहदा लै के आया। संत बाबा ज्वाला सिंह जी होरी इहदे वल देख के मुस्करा के इहनूं एक जल दी बोतल दित्ती, कहिंदे वी आ थोड़ा थोड़ा जल छकिया कर, कोई नहीं भाई हट जाएगा। तां जिस वेले वह जल छकना इहने शुरू कीता उदण तो आराम आउण लग पिया। हुण इह प्यारा सिंह दे मन दे विच बहुत इस गल दा ख्याल आया, बई मैं महापुरखां दी ना कदे संगत कीती, ना कदे दर्शन करन गया, पर मेरे ते उन्होंने किन्नी बड़ी कृपा की। तो महापुरखां दे चरणां दे विच फिर यह नौजवान प्यारा सिंह दर्शन करन आया, ते महापुरख उस वेले संगत दे विच बचन कर रहे सी, सुना रहे सी संगत नूं साधु उपदेश, भी जिहड़ा मनुख हिरदे विच दया धारण करदा, सदोगुणी बिरती रखदा ते माड़िया कम्मां वल्लों अपने आप नूं वरज के रखदा उहदा जीवन सफल हो जांदा, ते जिहड़ा माड़े पासे जांदा जेहा बीजै सो लुणै करमा संदड़ा खेत, जेहा बीजै सो लुणै मत्थै जो लिखियास। जो साडी किरत है, जो असीं कम करदे हाँ अखीर वह भुगतने पैंदे। किसे तरह का भी कोई कम करदा, बाबा जी ने उस वेले भगत सदना जी की साखी सुनाई। भगत सदना जी जो कि कसाई सन, ते बकरे नूं जिस वेले वह वढ़न लगे अपने तरीके दे नाल, ते उस वेले बकरा हसया बोलदा है भी ये नवीं भाजी पाउण लग्या, कई बारी मैं तैनूं वढ़िया, कई बारी तू मैनूं वढ़िया, पर आ हुण तू नवीं भाजी पाउण लग्या, अगले जन्म दे विच मैं भी तैनूं इसे तरह वढ़ांगा। हुण ये बचन सुन के सदने जी नूं विराग लग गया, भी जे अपने कीते हुए जिहड़े कर्म ने भुगतने ही पैणे हैं, तां फिर माड़ा कम करिए क्यों, बारी बलिहारी नित जाइए, उहदी शान उत्तों
जिह दियां कुदरतां ने बनाया तुछ बंदा है। अड्डो अड्डी हड्डियां दे जोड़ जोड़े जुगत नाल कीती सी सफाई सोहना फेर फेर रंदा है। उत्तों चिट्टे पोचे नाल पोचिया मुनारा सोहना अंदर लहू पाक मल मूत्र भरिया गंदा है। बंदा उसदा हो के करे बंदगी तां बंदा चंगा, बंदगी तो बिना बंदा गंदे तो भी गंदा है। नरू मरे नर काम ना आवे, पशु मरे दस काज सवारे। ऐसे वचन महापुरख संगत विच कर रहे सी भी जेड़ा मनुख देही प्राप्त करके भगती नहीं करता, भजन नहीं करता, उहदे शरीर का फायदा की, लाभ की है? साडे नालों तां पशु चंगे जिन्हां दा शरीर किसे काम तां आउंदा। हाथी के दांतों के अदक अदक चूड़े बने, सखियों में बैठ के सुहागन कहाती है। मिर्गों की शाल पे रिखी जान तपस्या करें, शेरों की खाल मान जोगियों के पाती है। पशुओं की खाल के अदक अदक जोड़े बने, बकरे की खाल मश्क बन पानी पर आती है। नाम से बिहून बंदा किसे ना ही काम आवे, नाम बिना इस तो फिर चंगी पशु जाती है। लिखण वाले बड़ा सुंदर लिखिया, वखरे वखरे जानवर ने जेड़े उन्हों का शरीर शरीरक अंग उन्हों के किसी ना किसी काम आते, पर जे बंदा नाम नहीं जपता फिर ये तो पशु जाति चंगी आ। जिन्हों का शरीर किसी काम तो आता तो फिर इस शरीर के नाल जो भी कोई कर्म करता। चित्रगुप्त ने जेड़े यदा लेखा लिखते आ, पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाओ। फिर धर्मराजे दे हजूर वो लेखा जिहड़ा ना वह फिर बचिया जाता, लेखे दे हिसाब दे नाल फिर जिहड़ा अगे फल मिलता। असी सारे ही अपने लिए चाहते तो बहुत चंगा, कोई भी नहीं चाहता मैं दुख मिले, कोई तकलीफ नहीं चाहता, ना अपने लिए ना अपने परिवार लिए। पर महाराज कहिंदे लोड़ है दाख बिजौरियां, किकर बीजे जट, हंडे उन कताएं दा पैदा लोड़ है पट। कहिंदे कोई जिमीदार किकरां दे बीज बीज रहा तो उन्हें कोई पुछदा की बीजदा, कहिंदा दाखा। कहिंदे दाखा तो नहीं, ये तो किकरां दे बीज, इनू तो सूलां लगनगियां, दाखा तो नहीं लगनियां। सो इस तरह साडा हाल आ, बीज दे किकरां दे बीज ते परपाल दे दाखा। बीजै बिख मंगै अमृत, वेखो एहो न्या, एक आदा न्या भाई, बीज के जहर ते मंगना अमृत। इस तरह नाल महापुरख साधु उपदेश संगत नूं सुना रहे सी। ये प्यारा सिंह भी बैठा होया बचन सुन रहा। हुण महापुरख जदों कमाई वाले कोई बचन बोलदे आ उहनां दे बचनां दा असर बहुत होंदा। सो हुण दे समें दे विच देखिया जावे प्रचार की कमी नहीं है, प्रचार बहुत हो रहा। कीर्तन दरबार किन्ने हो रहे, कीर्तन दरबार श्री अखंड पाठ साहब, नगर कीर्तन गुरस्थान किन्ने बने हुए, उपदेश देण वाले बहुत ने। पर इस वेले कमी किस चीज़ की है? उपदेश देण वाले असी लोग उस उपदेश की खुद कमाई नहीं करते। जिन्हां दी अपनी खुद की कमाई नहीं उन्हां दा बोलिया होया किसे दे उत्ते असर नहीं करता। जिन्हां दी अपनी कमाई हुंदी, जिहड़े आप उस बचन नूं गुरु के उपदेश नूं कमाया हुंदा जिन्हां ने, उन्हां दे कहया होया सामने वाले दा जीवन बदल जाता है, उन्हां दे कहे होए दा असर हुंदा है। तो हुण जिस वेले ब्रह्म ज्ञानी महापुरख कोई वचन करदे जिवें पूर्ण महापुरखां दे जीवनां दीआं आपां साखियां सुणदे आ रहे, तो इस तरह संत बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तुआणा साहब वालिआं दे जीवन की भी एक साखी आउंदी वी महापुरश अपने अस्थान ते एक दरख्त दे हेठां महापुरखां दा पढ़न लग्या होया सी, बैठे सी ते उस दरख्त नूं कंडे हुंदे, कंडिआं वाला दरख्त सी ते सहज सुभा उस दरख्त वल नूं देख के बाबा अतर सिंह महाराज मस्तुआणा साहब वाले कहण लगे
कहिंदे भाई तू गुरुद्वारे विच रहना अपना कंडियां वाला सुभा छड क्यों नहीं दिंदा। एक दरख्त नूं कहा कंडियां वाला सुभा छड क्यों नहीं दिंदा तू गुरु घर विच रहना। कहिंदे जी उस दरख्त दे सारे कंडे एक दो दिनां दे विच विच ही झड़ गए ते मुड़ के उस दरख्त नूं कंडा नहीं निकलिया। तो ऐसे कमाई वाले साधु जिन्हां दे कहे हुए दा प्रकिरति भी हुक्म मनदी है, प्रकिरति उन्हां दे मुख तों निकले हुए बोलां ते अमल करदी है। तो एक आपां हाँ साडा कहा होया कोई सुन के राजी नहीं, कोई मन के राजी नहीं, तो उहदे विच कसूर किसदा है? कसूर साडा अपना जे अपनी कमाई ना होवे तां। तो हुण बाबा ज्वाला सिंह जी दे मुख तों जिस वेले इस प्यारा सिंह ने ऐसा उपदेश सुनिया तां जिवें कबीर साहब वचन करदे कबीर सतगुर सूरमे बाहिया बाण जो एक लागत ही भोए गिर परिया परा करे जे छेक। महापुरखां दा एक एक वचन ऐदा अंदर खुबदा गया, बहुत बराग आया सुन के। हुण अपने बारे सोचदा भी मैं तां भैड़े गीतां दे अखाड़े सुनदा, अखाड़ियां दे विच नचदा और होर किन्ना कुछ शिकार खेडदा, माड़े काम किन्ने करदा। ते मैनू जदों लेखा देना पिया मैं तां बहुत औखा होवांगा। ते अपने बारे जदों हुण इहो जिहा सोचदा तां उहनूं हुण रोणा आउंदा अपने कर्मां नूं देख के, बहुत बराग आ रिहा। ते महापुरखां दे चरणी लग के बेनती कीती वी महाराज मेरे पिछले औगण बख्श लो ते मैनू गां अपने चरणी ला लो। ते संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी उसनू फिर सदमार्ग का उपदेश दे के सीधे रस्ते ते उहनूं तुरन का वचन करिया। तो ये प्यारा सिंह इन्ना बहुत महाराज का फिर प्रेमी सेवादार निकलिया, बहुत प्रेम किया इन्हें फिर और महापुरशां दे हुक्म दे विच ही आने वाला समा फिर इन्हें सारा अपना लगाया। इस दे घर पुत्र नहीं सी ते इनू सारिया ने कहना, इहदी पत्नी बीबी गुरबचन कौर जी का नाम सी, उन्हें भी कहना भी तुहाडे नाल तां संत महाराज इन्ना प्रेम करते आ तुसीं बेनती करो। तो सारिया ने जिस वेले कहना तो प्यारा सिंह ने कहना भी तो हुक्म की गल आ, परमेश्वर ने देना होया दे देना। तो इस तरह बहुत सबर दे नाल रहना। तो प्यारा सिंह दे वल्लों बाकी संगत ने एक बारी आके बेनती की बाबा दीदार सिंह जी ने, कहिंदे महाराज भी प्यारा सिंह इन्नी सेवा करदा बई तुहाडी सेवा करन वाला कोई खाली मुड़दा असीं देखिया नहीं, बई महाराज उहदे घर पुत्तर है नहीं, तुसीं कृपा करो ते महाराज उहदे घर भी औलाद हो जावे, उहदे घर भी पुत हो जावे। ते संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह कहण लगे, कहिंदे इदां करो बई प्यारा सिंह एक बारी आप मैनूं अपने मूहों कह दे, प्यारा सिंह एक बारी आप अपने मूहों कह दे तां फिर असीं उहदी अरदास करके गुरु नानक दे घरों उहनूं पुत्तर लै देंगे। पर आप तां कहे तां प्यारा सिंह नूं जदों सारिआं ने कहना मैं महापुरशां दे हुक्म दे विच ही रहिणा, मैनूं किसे चीज़ की इच्छा नहीं है, महापुरखां दे कोलों कुछ मंगणा नहीं है, जो उह दे रहे बस उह ते किरपा रखण, भजन सिमरन करदा रहां, होर मैनूं किसे चीज़ की लोड़ नहीं है। सो ऐसे ऐसे सिदक वाले जिहड़े महापुरशां दे सेवक पहलां किहो जिहा जीवन सी ते बाद विच किन्नी उच्ची अवस्था बन गई। सो गुरु पातशाह किरपा करन ये जिन्नियां भी साखियां जिन्हें भी वचन ने इन्हां नूं सुण के साडे मन विच सोझी ज्ञान आना चाहीदा वी साडी अपने गुरु दे नाल किहो जिही प्रीत है, असीं अपने गुरु नाल किदां दा प्रेम करदे हां। जेकर साडा प्रेम सिर्फ अपनियां लोड़ां तक ही है वी साडा आह काम हो जाए उह काम हो जाए सानूं आह मिल जाए उह मिल जाए, फिर साडा असल प्रेम नहीं है, साडा सच्चा प्रेम नहीं है। जान लभ तां नेहो क्या लभ तां कूड़ा नेहो, जे सानूं लोभ है किसी चीज़ का फिर साडा प्रेम सच्चा नहीं है। तो फिर तो यह मतलब है वी असीं अपनियां लोड़ां दे करके गुरु महाराज नूं मनदे हां। जिद्दण अपने मन की भावना इहो जी बन गई
ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ